हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्जाम के सैम्पल पेपर क्लास फर्स्ट के लिए, जो समर 2022 की एग्जाम होने वाली है, उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले मैंने इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम कि प्रोसेस के बारे में, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, एग्ज़ाम कैसे होता है, एग्ज़ाम के पैटर्न कैसे होते हैं, इससे संबंधित सारे डिटेल्स एक वीडियो बनाकर डाले हैं, उसे आप अवश्य देखें। उसके सिलेबस की भी एक वीडियो मैंने बना डाली है। और आज हम आपके लिए क्लास फर्स्ट के सैम्पल पेपर लेकर आए हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर्स क्लास फर्स्ट के लिए पूछे जाते हैं। तो पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि इसमें टोटल एक ही पेपर्स रहते हैं जिसमें चार सब्जेक्ट इंक्लूड रहते हैं। तो चलिए इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चंस का ये मॉडल पेपर है जिसे हम सॉल्व करके भी आपको बताते जाएंगे। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट ऑफ 60 मिनट, एक घंटे का टाइम रहता है। टोटल मार्क्स 100 रहते हैं। क्वेश्चन पेपर कंटेन 35 क्वेश्चन, इसमें करीब 35 क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चंस नंबर्स होते हैं 1 से 6 नंबर, यानी 6 क्वेश्चंस जो है मेंटल एबिलिटी के हैं। 7 to 14 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं। 15 to 22 साइंस, 23 to 30 इंग्लिश एंड 31 to 35 स्कॉलर सेक्शंस के रहते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी निगेटिव मार्किंग, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए निगेटिव मार्किंग रहती है। प्लीज़ लीव द क्वेश्चन इन केस यू आर नॉट श्योर अबाउट आंसर। इसमें क्लियर वे में कहा गया है कि अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर के लिए श्योर नहीं हैं तो उसे छोड़ दें। अन अटैचमेंट क्वेश्चन, डू नॉट अटैच निगेटिव मार्किंग। अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। आंसर आर टू बी गिवन ऑन ए सेपरेट OMR सीट, इसके साथ ही एक OMR सीट दी जाती है जिस पे आपको आंसर गोल करना होता है। रफ पेज कैन बी डन एनी वेयर इज द बुकलेट बट नॉट इन OMR सीट एंड लूज पेपर। और रफ जो है यहाँ पर आपको इसी में कहीं पर भी आप साइट में कर सकते हैं, लेकिन OMR सीट या अलग से कोई भी पेपर में नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला सेक्शन है मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी। 2 मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स रहेंगे। और रॉन्ग डिफेक्ट डिटेक्टेड एंड रॉन्ग आंसर, और एक आंसर के लिए 0.05 मार्क्स कटेंगे, यानी अगर आपका आंसर गलत होता है तो 0.50 मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन अगर आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया, नहीं आ रहा है, तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। और अगर क्वेश्चन सही आता है तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हु इज़ द थर्ड टू बी राइट ऑफ मोनू, मोनू से तीसरे नंबर पर राइट में कौन सा है। मोनू यहाँ पर है, ठीक है, तो राइट में तीसरे नंबर पर कौन से बच्चे हैं, तो राइट इधर आ जाता है 1, 2, 3, ये पी नंबर के बच्चे जो इससे राइट हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कम नेक्स्ट इन गिवन सीरीज, ये एक पैटर्न चल रही है, इसके नेक्स्ट सीरीज कौन से आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये बीच वाला जो फिगर है ये एडिटेड एज इट इज सेम पोजीशन पर है, और ये स्टार जो है पोजीशन चेंज हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर जा रहा है, इस साइड हो गया, फिर इधर, यानी क्लॉक वाइज ये एक एक स्टेप बढ़ता जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वापस जो है ये इसी स्टेप पर आ जाएगा, यही पोजीशन हो जाएगी। तो इसका आंसर हम देखते हैं, ये हमारा 1, 2, 3 एंड 4, वापस स्टार यहीं पे आ जाएगा और ये साइन ऐसे ही हो जाएगा। तो 1 वाला जो फिगर है यही रिपीट होकर आ जाएगा। अब इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। देखिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, सी पर पोजीशन हो रही है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द फॉलोइंग फिगर, हाउ मेनी सच फिगर इन टोटल यू नीड अ क्रिएट ए सर्कल, इस सर्कल को बनाने के लिए टोटल कितने फिगर्स इसमें लगेंगे। जैसे मान लीजिए इसको हम यहाँ पर करके सर्कल हमको बनाना है, ऐसे इसको हम राउंड अप कर देते हैं, फिर यहाँ लाइन खींच के इसको राउंड अप कर दिए और इसको राउंड अप कर दिए, तो टोटल कितने फिगर हो गई है, 1, 2, 3 एंड 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 3 का C 4। क्वेश्चन नंबर 4, बेस्ड ऑन गिवन फिगर हाउ मच टॉलर इज ट्री देन द साइकिल, ट्री जो है साइकिल से कितना लंबा है, ये हमें इसमें निकालना है। तो देखिए ये मीटर में मेजरमेंट दिया गया है 1 से 10 तक, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं साइकिल का मेजरमेंट कितना हो रहा है,
3 एंड ट्री का मेजरमेंट 9। ठीक है, तो इनमें कितना डिफरेंसेज है, तो 9 माइनस 3 इजकल टू 6 मीटर, तो आंसर हो गया फोर्थ का बी 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ सीक्वेंस, ये किस सीक्वेंस में जा रहा है, 3 3 3 एंड इन सब के बीच प्लस 3 ऐड हो रहा है, तो 12 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 15। तो करेक्ट आंसर इज 15, 5 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे, दे आर 8 पीपल इन रेस, रीना वाज बिफोर द लास्ट पर्सन, 8 लोग रेस में शामिल हैं और रीना रेस से लास्ट के एक पोजीशन पहले हैं, तो व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ रीना इन द रेस, तो रीना का पोजीशन क्या रहेगा। अब देखिए 8 लोग रेस में शामिल हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसमें से क्या है, रीना लास्ट पर्सन से पहले है, तो यानी 7th पोजीशन पर है वो रीना, तो इसका पोजीशन क्या हो गया, 7th। करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 7, अब यहाँ से सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाता है मैथमेटिक्स के लिए, जिसमें एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और निगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स रहेगी रॉन्ग आंसर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा, आई हैव 5 रुपीज़ 1 कॉइन, 5 रुपये का एक कॉइन है मेरे पास एंड 2 रुपीज़ 2 कॉइन्स, 2 रुपये का 2 कॉइन्स है, तो हाउ मच मोर मनी डू यू नीड आई बाय ट्वाई फॉर रुपीज़ 15। 15 रुपीज़ की ट्वाई को ख़रीदने के लिए हमें कितना और चाहिए, हमारे पास क्या हो रहा है, देखिए 5 रुपीज़ का एक कॉइन है तो ये क्या हो गया, 5 रुपीज़ हो गया, और 2 रुपीज़ का 2 कॉइन है तो 2 रुपीज़ का 2 कॉइन हो गया, तो 2 प्लस 2 कितने हो गए हमारे पास, 5 प्लस 4 इजकल टू 9 रुपीज़ हमारे पास है। अब अगर 1 वाला हम लेते हैं, 3 रुपीज़ ऑफ 2 कॉइन्स, 3 रुपीज़ की 2 कॉइन अगर हम लेते हैं तो कितना हो रहा है, 3 प्लस 3 यानी 9 प्लस 6 इजकल टू 15। 15 रुपीज़ का हमें टॉय ख़रीदना है तो हमें क्या लेना होगा, 3 रुपीज़ के 2 कॉइन्स और चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, द पाइनएप्पल इज हैवियर देन एप्पल बाई 9 यूनिट्स, पाइनएप्पल जो है एप्पल के 9 यूनिट्स ज़्यादा हैवी है, तो फाइंड द मास ऑफ पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल का कितने यूनिट का है, तो अब ये देखिए ये एप्पल और ये मेजरमेंट सेम हो रहा है, ये पाइनएप्पल है और यहाँ पर इच स्टैंड फॉर 1 यूनिट, इस बॉक्स के लिए 1 यूनिट लिया गया है, तो हम मान लो इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यूनिट हो गए, ठीक, और एप्पल यानी 7 यूनिट्स के बराबर है और पाइनएप्पल 9 यूनिट्स के बराबर है, तो पाइनएप्पल का मास कितना हो जाएगा, 9 प्लस 7 इजकल टू 16 यूनिट्स, सो करेक्ट आंसर इज बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ ऑफ द बस इज यूनिट, अब ये देखिए ये जो से बना हुआ ये 3 यूनिट्स है और 1 यूनिट्स के लिए 2 स्टैंड है, अब यहाँ पे 3 पार्ट में ये डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर 3 यूनिट है तो ये भी 3 यूनिट रहेंगे और ये भी 3 यूनिट रहेंगे, तो 3 3 3 कितने हो गए, 9, और 1 यूनिट के लिए कितने हो रहे हैं स्टैंड्स, 2 यूनिट, तो 9 × 2 इजकल टू 18 यूनिट, तो लेंथ ऑफ बस कितने हो गए, 18 यूनिट, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट नंबर इज 2 मोर देन 21 प्लस 11, अगर 21 में हम 11 प्लस करके उससे 2 ज़्यादा लेते हैं तो क्या होता है, तो 2 2 1 1 2 2 और 1 3 में 2 अगर हम मोर करते हैं तो ये हो गया हमारा 34, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 34। क्वेश्चन नंबर 11, अ बस अराइव द बस स्टैंड एवरी 5 मिनट्स, हाउ मेनी बसेस वुड यू हैव अराइव द बस स्टैंड ऑफ 30 मिनट्स, अब इसे आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट में हमें लिखकर बताएं, मैं इसे सॉल्व कर आपको बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इस तरह ये 14 क्वेश्चन मैथ से रहेंगे। अब हम देखते हैं साइंस के पेपर, सेक्शन 3 में साइंस के पेपर रहेंगे, इसमें भी एक क्वेश्चन के लिए
करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे और गलत आंसर के लिए 0.5 मार्क्स दिए जाएंगे रॉन्ग आंसर के लिए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ऑप्शन ए वाटर यूज फॉर क्लीनिंग, यस। द वाटर इज यूज बिल्डिंग हाउस, यस। द वाटर इज नॉट यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, रॉन्ग आंसर। एंड वाटर इज द यूज फॉर एरीगेशन, करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इसमें हो गया आपका सी, इसमें पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर इज वाटर इज नॉट यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए ऑलवेज बाइट योर नेल्स, बी थ्रो वेस्ट इन टू डस्टबिन, सी टर्न ऑफ द टैप वाटर वॉशिंग योर हैंड्स, एंड डी यूज योर हैंडकरचीफ व्हेन यू कफ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल नेवर क्लोज देयर आईज एज दे डू नॉट लीव आईलेट्स। ऑप्शन ए लिजर्ड, बी ऑउल, सी स्नेक, डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्नेक। क्वेश्चन नंबर 18। यू मस्ट वॉक ऑन मी व्हेन यू क्रॉस द रोड आई एम क्रॉसिंग। ऑप्शन ए रोड, बी ट्रैफिक, सी जेब्रा, डी फुटपाथ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जेब्रा। क्वेश्चन नंबर 19। डैश इन द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन आवर स्किन, आई टंग, स्किन एंड ईयर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्किन। क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फ्लाई। ऑप्शन ए पांडा, बी फ्रॉग, सी बैट, डी फॉल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बैट। क्वेश्चन नंबर 21। द ऑर्डर ऑफ ट्रैफिक लाइट इज। ऑप्शन ए रेड, ग्रीन एंड येल्लो, बी येल्लो, रेड एंड ग्रीन, सी रेड, येल्लो एंड ग्रीन, एंड डी ग्रीन, रेड एंड येल्लो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रेड, येल्लो एंड ग्रीन। आइडेंटिफाई द वेजिटेबल्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच ग्रो अंडर द सर्फेस ऑफ सॉइल। ऑप्शन ए कैबेज, बी ब्रिंजल, सी कैरोट, डी कॉलीफ्लावर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कैरोट। नेक्स्ट सेक्शन 4 इंग्लिश के क्वेश्चंस रहते हैं। 2.5 मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर एंड 0.50 मार्क्स विल डिटेक्ट फॉर रॉन्ग आंसर। ऑप्शन ए चूज द राइट वर्ड द प्योर जूस माय ग्लास इन। ऑप्शन बी टू, सी इन टू, एंड डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इन टू। क्वेश्चन नंबर 24। चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर, प्लीज पुट द इनटू द वॉशिंग मशीन। ऑप्शन ए लॉन्ड्री, बी वेजिटेबल, सी कप्स, एंड डी यूटेंसिल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लॉन्ड्री। क्वेश्चन नंबर 25। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन। ऑप्शन ए टॉडलर, बी टॉडलर, सी टॉडलर, एंड डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टॉडलर। क्वेश्चन नंबर 6। रीड द मैसेज केयरफुली एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। एन एग्लो ऑल्सो नोन एज स्नो हाउस और स्नो हट इज अ टाइप ऑफ शेल्टर बिल्ड ऑफ स्नो टिपिकली फॉर्म्ड व्हेन द स्नो इज ईजी टू कॉम्पैक्ट। इट इज अ काइंड ऑफ हाउस एंड स्कीमो लिव्स इन। It is made for hug blocks of ice. The entrance of the igloo is a narrow tunnel. Igloo can only be found in the frozen land. Who lives in an igloo? Option A, igloo. B, an Eskimo. C, frozen man. And D, tunnel. Correct answer is option B, an Eskimo. Question number 27. My brother and sister are my. Option A siblings, B nice, C cousin, and D none. Correct answer is option A sibling.
क्वेश्चन नंबर 35, व्हाई डू सम बेबी एनिमल नीड टू लिव इन देयर मदर्स पाउचेस? ऑप्शन ए, दे आर नॉटी। बी, दे हैव नो हेयर एंड मस्ट स्टे वार्म। सी, दे आर मीन एंड मस्ट बी केप्ट अलोन। एंड डी, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दे हैव नो हेयर एंड मस्ट स्टे वार्म। तो आज के लिए इतना ही। आपने देखा कि क्लास फर्स्ट के लिए टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 35 रहते हैं और टोटल मार्क्स 100 रहते हैं। तो इस प्रकार के पेरेंट्स क्वेश्चंस आते हैं जिसकी मदद से आप अपने बच्चों की अच्छे से तैयारी करवा सकते हैं। ऑलमोस्ट सिलेबस आपने देख ही लिया है, जो हमारा CBSE, ICSE एंड स्टेट बोर्ड के क्लास के जो सिलेबस रहते हैं वही सिलेबस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारे चैनल पर बेल आइकॉन दबाना न भूले, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।